नमस्कार दोस्तों, आज मंगलवार की सुबह है और अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर एक बार फिर से बयां कर रही हैं कि धामी सरकार के मंत्रियों की पोल खुल रही है। पिछले 3 दिनों से जिस विषय को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने खुलासा किया था, उसको लेकर आज अखबारों की सुर्खियों ने मोहर लगा दी कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर बिल्कुल सही और सटीक थी। मसला सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की नियुक्तियों से जुड़ा है और शासनादेश जिस अंदाज में जारी हुए ठीक चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद, उसको लेकर तमाम सवाल आज एक बार फिर से धामी सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। और सबसे ज्यादा फजीयत अगर किसी विभाग ने करवाई तो वो है शिक्षा विभाग। आबकारी विभाग को लेकर भी सरकार के भीतर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन आज जिक्र जिन अखबारों की सुर्खियों का मैं करने वाला हूं, उसमें धामी सरकार किस तरह से कटघरे में खड़ी है वो आपको मालूम चल जाएगा। मैं शिक्षा विभाग की उन सुर्खियों का जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले अखबार की इन सुर्खियों में एक बड़ी खबर भी छिपी है। बड़ी खबर यह कि हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन, जो कि एक बड़ा दिन है, और इस बड़े दिन पर फैसला यह लिया गया कि स्नान पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में हरिद्वार में श्रद्धालु आते हैं। और ऐसे में यह फैसला लिया गया कि कोविड जिस तरह से पीक पकड़ रहा है, जिस तरह से कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनजर यह फैसला ले लिया गया कि हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक लगा दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर, क्योंकि मैं जिस बड़ी खबर का जिक्र करने वाला हूं, जिसका विश्लेषण करने वाला हूं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर और अमर उजाला के फ्रंट पेज पर भी छपी है और दैनिक जागरण में भी छपी है। और वो खबर है कि रुद्रपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, खाली प्लांट में कटे 2 पशुओं के शव मिले, लोग भड़के, हंगामे के चलते पीएसी बुलानी पड़ी। दरअसल ये वो रुद्रपुर है जहां पर चुनाव जब जब होते हैं वहां इस तरह का माहौल बन जाता है या बना दिया जाता है। अब एक बार फिर से क्या वही कोशिश, वही प्रयास हो रहा है जहां चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? खैर, यह अलग विषय है। अब मैं आता हूं अपनी अहम खबर पर। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने जिस तरह से, आपको याद होगा, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर जाइएगा, पिछले 3 दिनों से लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर यह कि दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर देखिए, यह फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि राज्य के जो तमाम शिक्षक थे, जिनका मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा, 650 से ज्यादा तबादलों पर रोक लगा दी गई है। 650 तबादलों पर रोक लगा दी गई है, यह प्रमाण है दोस्तों, यह प्रमाण है कि किस तरह से शिक्षा विभाग में जमकर खेल हुआ, किस तरह से नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद या उससे पहले, ठीक पहले, किस तरह से तबादले किए गए, एक एक शिक्षक को 6-6 ऑप्शंस दे दिए गए कि आप हरिद्वार जाइए, आप देहरादून जाइए। और इतना ही नहीं, किस तरह से अधिकारियों को, आपको याद होगा कि अधिकारियों के भी तबादले हुए। 24 को आदेश जारी होता है कि आप रुद्रप्रयाग जाइए और फिर 7 तारीख को आदेश जारी होता है कि आप रुद्रप्रयाग नहीं, आप हरिद्वार जाइए। ये तमाम खेल किस तरह से नंगा नाच हुआ, सत्ता आज सवालों के कटघरे में है। मैं खबर पढ़ के बताता हूं आपको। चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले किए गए इस माह में बेसिक माध्यमिक 650 से अधिक शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के तबादले पर सरकार ने रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सोमवार को चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया। आचार संहिता लागू होने के एन पहले 392, अब देखिएगा, 392 शिक्षक जो हैं, जो बेसिक शिक्षक हैं, उनके तबादले हुए और 260 माध्यमिक शिक्षक के तबादलों के आदेश जारी हुए थे।
और इस संबंध में हमने तब भी यह सवाल पूछा था कि एक तरफ शिक्षा मंत्री लगातार यह दावा करते रहे कि मैंने 4.5 साल में इसे उद्योग नहीं बनने दिया, ट्रांसफर उद्योग था शिक्षा विभाग, मैंने उद्योग नहीं बनने दिया, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी शिक्षा मंत्री की कि आखिरकार उन्होंने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो उत्तराखंड बनने के बाद नहीं टूटे थे। किस तरह से एक के बाद एक तबादले हुए जो सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई और आज उस पर रोक लगानी पड़ी। अब ऐसी एक खबर जो है, क्योंकि इसमें आचार संहिता से एन पहले नियम 27 का जिक्र किया गया था, अब अमर उजाला में भी यही खबर छपी है दोस्तों, और तीसरे नंबर पर, और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको याद होगा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया था, यू टर्न ले लिया धामी सरकार ने, लेकिन एक और फैसला यू टर्न लिया है त्रिवेंद्र सरकार के, उसका भी मैं जिक्र करने वाला हूं। लेकिन तबादले के आदेश पर शिक्षक अफसरों की नई तैनाती पर रोक, ये अमर उजाला के दूसरे पन्ने पर खबर छपी है। और किस तरह से आचार संहिता और तबादला एक्ट को ताक पर रखकर ये तबादले किए गए, ये उसकी बानगी है। और अब 600 से अधिक जो तबादले हुए उसने धामी सरकार के मंत्री और धामी सरकार की क्या पोल खोल दी है। इसी को लेकर आपको बताया कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने कल देर रात सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक इंटरव्यू किया है, और दोस्तों मैं चाहूंगा कि वो इंटरव्यू आप जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू है और उसमें कई खुलासे हरीश रावत ने किए हैं, और दावा यह किया है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। और उन्होंने खास तौर पर कहा कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने जिस तरह के इस मुद्दे को उठाया, एक सच्ची पत्रकारिता का नमूना दिया, वो प्रमाण है कि आखिरकार कुछ ना कुछ दाल में काला है। उन्होंने कहा कि जांच करवाएंगे, खैर वो एक अलग विषय है, वो इंटरव्यू जल्दी आपको दिखाई देगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर, और वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और उसमें तमाम खुलासे भी हुए हैं। लेकिन मैं एक और खबर का जिक्र यहां पर करने वाला हूं, और वो अमर उजाला के दूसरे पन्ने पर ही खबर छपी है, और आपको वो जानना बहुत जरूरी है, उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा देवस्थानम बोर्ड को लेकर धामी सरकार ने फैसला लिया कि हम उसे भंग करते हैं, जो त्रिवेंद्र सरकार ने लिया था, तब कहा गया कि त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया गया धामी सरकार में। सिर्फ त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को, देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला नहीं पलटा, अब एक और फैसले का मैं जिक्र कर रहा हूं। धामी सरकार ने ठीक चुनावी आचार संहिता लगने से अंतिम वक्त पहले एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और वो फैसला है, आपको याद होगा, मृत्युंजय मिश्रा, डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा, ये दरअसल उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव, उनको लेकर बवाल हुआ था, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया था, उसी को लेकर यह बड़ी खबर छपी है कि त्रिवेंद्र सरकार ने आयुष विभाग से वापस पैतृक उच्च शिक्षा विभाग में भेजने का जो फैसला कैबिनेट में लिया था उसे धामी सरकार ने पलट दिया। अब ये जनाब है जिनके ऊपर आरोप लगे, आरोप गंभीर थे, सरकार ने फैसला लिया और धामी सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। याद होगा आपको कि हाल ही में 2 दिन पहले एक प्रकरण सामने आया था, जो मुख्यमंत्री के करीबियों में से एक नंदन सिंह बिष्ट खनन को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उनको क्लीन चिट मिली और उनको भी वापस ले लिया गया। और अब यह मिश्रा जी का जिक्र, यह जीरो टॉलरेंस की हकीकत है। सवाल यह है, यह जीरो टॉलरेंस जो लोकायुक्त 5 साल में नहीं आया, और जो 3-3 मुख्यमंत्री बदल गए, 5 साल में लोकायुक्त नहीं आया, उसकी एक बानगी मैं आपको बताता हूं। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा, ये खबर छपी हुई है अमर उजाला पे, मैं वो पढ़ के बता रहा हूं आपको। विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जेल तक जाना पड़ा था, और इस बीच त्रिवेंद्र सरकार के कैबिनेट में मृत्युंजय मिश्रा को लेकर फैसला लिया गया और उनके संयोजन को निरस्त कर दिया गया, और इस पर शासन ने आदेश भी जारी कर दिया था। अब मिश्रा की जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वापसी हुई है, और वापसी के साथ ही
जो मिश्रा से जुड़ा प्रकरण था वो एक बार फिर से ताजा हो गया। और हकीकत यह है दोस्तों कि 2 अगस्त 2019 को त्रिवेंद्र सरकार ने ये आदेश पर मुहर लगाई थी, और 7 जनवरी की जो डेट है ना, ये महत्वपूर्ण है। अधिकतर फैसले 7 जनवरी के हैं जनाब। 7 जनवरी को यह फैसला लिया गया सचिव आयुष चंद्रेश कुमार ने कि मृत्युंजय मिश्रा से जुड़े इस आदेश को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब एक तरफ विजिलेंस की जांच जिसको लेकर सवाल, एक तरफ गंभीर आरोप, अब हटाया गया फिर लाया गया, ये फैसले पलटने में धामी सरकार वाकई इतिहास रच रही है। अपनी ही सरकार के फैसले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए, जो दावा किया, और आज उसी में कदम पीछे खींच लिया। तो ये मसले वाकई अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। जवाब सरकार को देना है, अब वक्त जनता के बीच जाने का है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, तोहमत मर रहा है, अब धामी सरकार किस तरह से अपने आप को और खास तौर पर शिक्षा विभाग और आबकारी विभाग, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक खास ब्रांड को शराब के खास ब्रांड को फायदा पहुंचाने के लिए भी एक फायदा लिया गया। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि आज एक बार फिर से सुर्खियां यह मुहर लगा रही है कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर सही साबित। नमस्कार दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ अखबारों की सुर्खियों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।